हे माइटीबियंस की हलचल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इंडिया में स्नोफॉल का सीजन अभी चल रहा है और ऐसे में आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है वाईटी भारत पर कि स्नोफॉल प्रेडिक्शन करिए। हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड के अलग अलग स्टेशन बताने जा रहा हूं, जिसको देख करके आप 50-60% बिलीव कर सकते हैं कि इस दिन स्नोफॉल होगी और आप जा करके अपने बहुत ही मेमोरेबल टाइम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं विद लाइव स्नोफॉल। तो बने रहिए वाईटी भारत के इस वीडियो पर। हाँ दोस्तों, अगर आपने वाईटी भारत चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरह की बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो नीचे वाईटी भारत के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, जाके क्लिक करिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो मैं ला सकूं। आइए चलते हैं, आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन में स्नोफॉल प्रेडिक्शन बताते हैं हिमाचल का, जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड के कुछ हिल स्टेशंस का। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए सबसे पहले मनाली की स्नोफॉल प्रेडिक्शन कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस साल जो स्नोफॉल हुई है वो मनाली और कश्मीर के अंदर हुई है। तो मनाली से स्टार्ट करते हैं। 25 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक की स्नोफॉल प्रेडिक्शन हो रही है, जिसमें आपको ये जो कॉलम है वो बताएगा कि कितने परसेंट संभावना है, 5-10%, 15% जो भी आपको दिख रहा है वो रेनफॉल की संभावना है, और यही रेनफॉल की जो परसेंटेज जो है वो आगे जाकर के स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ये है विंड की स्पीड, कितने किलोमीटर पर आवर चल रहा है, और ये नॉर्मली बता रहा है कि सनी या मोस्टली सनी इस तरह से रहने की संभावना। तो आप इस पर ध्यान दीजिए और आप इस पर ध्यान दीजिए, आपको जहां पर 5-10% दिख रहा है वहां पर स्नोफॉल की संभावना बनी हुई है। अभी स्टार्ट करते हैं मंडे 25 को, दिन का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, रात का टेम्परेचर -9 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको देख के समझ सकते हैं। इसी तरह से ट्यूसडे 26 को 2 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस में, 2 डिग्री सेल्सियस 27 को -9 डिग्री सेल्सियस। थर्सडे को आपका है 1 डिग्री सेल्सियस और -0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फ्राइडे को 29 को 8 डिग्री सेल्सियस -9 डिग्री सेल्सियस। सैटरडे को 30 है और उस दिन दिन में टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस, रात को -6 डिग्री सेल्सियस। और संडे 31 जनवरी 2021 को 4 डिग्री सेल्सियस और -5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बना रहेगा मनाली के अंदर। तो आपकी जो सबसे ज्यादा संभावना बन रही है वो मंडे 25, ट्यूसडे 26 और उसके बाद संडे 31 को स्नोफॉल की संभावना बन रही है। हालांकि बहुत कम है, लेकिन फिर भी चांसेस है कि इस दिन स्नोफॉल हो सकती है मनाली के अंदर। बाकी जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस है वहां पर बिल्कुल भी स्नोफॉल की संभावना नहीं बन रही है। आइए अब जान लेते हैं शिमला के बारे में। शिमला ब्रिटिशियंस की समर हिल कैपिटल के नाम से जानी जाती थी। इसके अंदर देख लेते हैं, हालांकि स्नोफॉल की संभावना बहुत कम बनी हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर जिसमें भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रेन की संभावना है उस डेट पर स्नोफॉल की संभावना बनी हुई है। 25 से लेकर के दिन का टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं 8 डिग्री सेल्सियस और रात का -3 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से 26 का 8 डिग्री 3 डिग्री रात का और 27 का 9 डिग्री -3 डिग्री। तो यहां पर देख लीजिए आप स्क्रीन को पॉज करके, 25 से लेकर के 31 जनवरी 2021 के अंदर किस किस दिन स्नोफॉल की संभावना बन रही है आपको इस चार्ट के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। और विंड की यहां पर आपको स्पीड दिख रही है, विंड की कितनी स्पीड बनी हुई है। तो इस तरह से अब हम चलते हैं आगे, आपको नेक्स्ट हिल स्टेशन की स्नोफॉल प्रेडिक्शन बता देते हैं। आइए दोस्तों, तो फ्रेंड्स अब आ गए हैं हम डलहौजी के बारे में, आपको बता देते हैं। डलहौजी में अभी 25 से लेकर के 31 तक बहुत ही ना के बराबर स्नोफॉल के प्रेडिक्शन है, क्योंकि आप देख लीजिए रेन का कोई भी अनुमान नहीं आ रहा है, और जब रेन का अनुमान नहीं होगा तो स्नोफॉल भी असंभव है यहां पर होना। हालांकि जो रात का टेम्परेचर है वो माइनस में जरूर चल रहा है, लेकिन दिन का जो टेम्परेचर है वो हल्का हल्का गर्म अभी भी बना हुआ है। स्क्रीन को पॉज करके आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं हिमाचल के डलहौजी के बारे में किस किस दिन आपको क्या क्या टेम्परेचर मिलेगा। अब चलते हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के अंदर, आपको बताते हैं क्या संभावना है स्नोफॉल की। आइए दोस्तों,
इस साल सबसे ज्यादा स्नोफॉल जो पड़ी है वो पड़ी है आपके श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम के अंदर। और ये आपके सामने स्क्रीन पे आ भी रहा है, आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पर जो भी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है वो रेन के हिसाब से 5 बनी हुई है, 5% की संभावना है। किसी भी दिन स्नोफॉल आपकी पड़ेगी और ज्यादातर दिन स्नोफॉल पड़ ही रही है श्रीनगर के अंदर, गुलमर्ग के अंदर। तो कश्मीर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको स्नोफॉल की सबसे ज्यादा संभावना बनी हुई है और आप वहां पर जाकर के लाइव स्नोफॉल का मजा उठा सकते हैं। 25 से लेके 31 आपको सारी डेट के यहाँ पर टेम्परेचर भी दिख रहे होंगे, इस स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हैं। और अगर कश्मीर का प्लान बना रहे हैं तो लाइव स्नोफॉल आपको मिलने की प्रबल संभावना है, जाइए और इंजॉय करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन उत्तराखंड में और पता लगाते हैं नैनीताल के स्नोफॉल प्रेडिक्शन को। चलिए दोस्तों, नैनीताल में अब स्नोफॉल की संभावना लगभग ना के बराबर है और शायद ही अब कहीं फेब के अंदर जाकर के किसी दिन स्नोफॉल पड़ेगी, लेकिन अभी 25 से 31 तक स्नोफॉल की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो स्नोफॉल के मामले में नैनीताल में अभी कोई संभावना नहीं है फिलहाल 25 से 31 के बीच में। आप यहां पर टेम्परेचर देख सकते हैं क्या क्या बना हुआ है, रात का टेम्परेचर काफी दिनों तक माइनस में जा रहा है और दिन का टेम्परेचर हल्का हल्का गर्म बना हुआ है। आप जाकर के यहाँ के सुहावने वातावरण को एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स या कपल जो भी जाना चाहें वो जा सकते हैं, लेकिन स्नोफॉल की संभावना अभी नहीं बन रही है 25 से लेकर 31 जनवरी के बीच में। दोस्तों, जिस तरह से कश्मीर का गुलमर्ग फेमस है उसी तरह से उत्तराखंड का ओली स्नो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बहुत ही फेमस है और प्रबल संभावना बनी हुई है 28, 29 और 31 जनवरी 2021 के दिन यहां पर स्नोफॉल मैक्सिमम संभावना है कि हो सकती है। तो अगर आप उत्तराखंड के ओली जा रहे हैं तो इन इन डेट पे आप 28, 29 और 31 को चूज कर सकते हैं जाना और लाइव स्नोफॉल का आप आनंद उठा सकते हैं, मैक्सिमम संभावना बनी हुई है। तो इसी तरह से और बहुत ही अदर प्लेसेस की स्नोफॉल प्रेडिक्शन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री।